इनको नेट रन रेट अपना अच्छा करना था और किया भी उन्होंने, अफगानिस्तान से ऊपर चले गए। अफगानिस्तान इस वक्त है आपको कहा था 7 ओवर में जीत जाएगा तो बैंग बैंग बिगलो, तो स्कॉटलैंड हिगलो पिघलो हो गए हैं और तबाही किस्म की बैटिंग की है पहले राहुल और हिटमैन ने, छक्के चौके भी आपने पटाखे फूटे कि छक्के फूटे भाई। के लिए आज टीम इंडिया ने सही मायने में दिखाया है कि ये है टीम इंडिया, ये है जबरदस्त टीम इंडिया और ये है उनकी बैटिंग लाजवाब और ये है उनकी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कल तक जो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मीडिया वाले भारत को मैच फिक्स करने का आरोप लगा रहे थे, आज स्कॉटलैंड की बैटिंग देखने के बाद में उनके चौके चक्के छोड़ गए, उनके मुंह से हवैया उड़ चुकी है, ना चाहते हुए भी भारत की टीम की परफॉर्मेंस की तारीफ करने पे मजबूर हो गए क्योंकि इंडिया ने जिस जबरदस्त तरीके से इनको जवाब दिया है तो इनकी बोलती बंद हो गई है। स्कॉटलैंड को भारत ने पेल दिया है, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आपको कहा था 7 ओवर में जीत जाएगा तो बैंग बैंग बिगलो, तो स्कॉटलैंड हिगलो पिघलो हो गए हैं और तबाही किस्म की बैटिंग की है पहले राहुल और हिटमैन ने और रही सही कसर जो है दो बाले खेल के स्काई ने छक्का मारा है तो मैच ओवर हो गया जी 6.3 यानी कि रिजवान अहमद साहब 39 बॉल्स में इन्होंने मैच खत्म कर दिया, करना 43 बॉल्स में था, तो वेरी वेल डन। 7 ओवरों के अंदर पूरे यकीन से कहा था ये जीतेंगे, 100 करेगा स्कॉटलैंड, उन्होंने 85 किया, थैंक यू वेरी मच, फिक्स तो नहीं था। आइए वो युगिंदर भी पूछ रहा है ये फिक्स तो नहीं था, तो अब आप देख लेंगे पता नहीं कि क्या था लेकिन फिक्स था, लेकिन कई लोगों का नट बोल्ट फिक्स किए हैं इन्होंने, आज शामी ने स्पेशली उनके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं जो उसको रूल आउट कर रहे थे, बुमराह था, जडेजा, मतलब है जडेजा को आप T20 फॉर्मेट में कह रहे हैं कि उसको नहीं खिलाना चाहिए, तो कमाल है आप भाई, सलाम है आपको, सलूट है आपको जो इस तरह की बेवकूफाना बातें करता है। देखो अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि मोहसिन भाई ये इस तरह पहले क्यों नहीं खेले पहले मैचेस में, वाई सर मैं माजी में नहीं जा रहा ना, जरा आगे चले ना, पहले नहीं खेले छोड़े, अब खेल रहे हैं इसमें बात करें। ये तो अब है ही कि यार क्यों नहीं खेले, बहरहाल जी अभी जैसा खेले पहले, अभी पिछले दो मैचेस में जीत के 4 पॉइंट और नेट रन रेट इनका अफगानिस्तान से ऊपर चला गया और जाहिर है कि पाकिस्तान तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, तो मुकाबला बीच में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ है, दोनों से ऊपर नेट रन रेट चला गया, मसला है पॉइंट का और पॉइंट का मसला ठीक तब होगा जब अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हराएगा और जो इनके हाथ में अब है दे आर डूइंग इट और नजर आ रहा है, पिछले मैच में भी इंटेंशंस क्लियर थी, इस मैच में भी बहुत ही क्लियर इंटेंशंस थी कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे हैव टू डू, अब बस किसी अच्छा तोहफा दे दिया कोहली को, टॉस भी जीता, मैच भी जीता, 6.3 ओवरों में जीता, तो व्हाट एल्स कोहली वुड हैव विश्ड फॉर हिज बर्थडे, 18 गेंदों में और अनुष्का शर्मा का भी बड़ा हार्ट वार्मिंग किस्म का उनको मैसेज भी आया था, तो आज का दिन जो है वो पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम है, क्लिनिकल 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 परफॉर्मेंस बाय द मैन इन ब्लू। एक भाई कह रहे जी छोटी टीम को हराया है, एक कह रहे बच्चों को हराया है, यार चलो बच्चों को हराया, बच्चों को भी हराया, निक्कर पहन के खेल रहे थे नहीं क्या, नहीं एक मिनट यही रुक जाए, क्या बगैर निक्कर के खेल रहे, कुछ नजर आ गया था इनको बच्चों का, क्या नजर आ गया, क्या बात कर रहे हैं यार, टीम तो हल्की है इसमें तो कोई जाहिर है स्कॉटलैंड वो नहीं, लेकिन जिस तरह से हराया वो देखे आप, मतलब 6 ओवरों में पूरा कर दिया 6.5 ओवरों में, तो ये आप जिस मार्जिन से हराया वो भी तो नजर में रखे ना, हल्की टीम है तो चलो 12वें ओवर में 14वें 15वें नहीं, हल्की टीम है तो न्यूजीलैंड 156 तक क्यों ले गया इन्हें, वो ले गया। अब बात ये है कि आप बीच में थोड़ा गुस्सा भी है कि जब इतना अच्छा ये खेल सकते हैं तो पहले मैचेस में खास तौर पर पाकिस्तान वाला भी चलो ठीक है 150 पूरा स्कोर नहीं था, न्यूजीलैंड वाला जो मैच है ना वो बार बार हॉन्ट करने आ रहा है, अगर यहाँ पे इफ दे गेट समहाउ दैट अपॉर्चुनिटी, अगर अफगानिस्तान पकड़ ले न्यूजीलैंड को तो अब ये रुकने वाली नजर नहीं आ रही, टीम काफी इनकी बैशिंग भी हुई है और अब दे आर बैक बट अब स्टिंग्स जो है ना वो अपने डोर अपने हाथ से निकल चुकी है, अब अफगानिस्तान वो किसी तरीके से डोर दोबारा इनके हाथ में दे तो फिर काम बनेगा। निरंजन कुमार के जी सेंडिंग, इनको नेट रन रेट अपना अच्छा करना था और किया भी उन्होंने, अफगानिस्तान से ऊपर चले गए, अफगानिस्तान इस वक्त है
+1.28 के ऊपर है और इंडिया +1.62 के ऊपर आ गया है। और तो यहाँ पे क्या है कि सबकी नज़रें अब 7 तारीख को जो मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, और सबको ये है कि क्या होगा। लेकिन जो ज़्यादा लगने में आ रहे हैं लोग, काफ़ी लोग आज फ़ोन किए, सब घबरा रहे हैं क्या होगा, लेकिन सुकून से रहें, न्यूजीलैंड आराम से थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन आज जैसे उन्होंने 14 ओवर तक स्ट्रगल किया, आज वाला मैच नहीं होगा। देखिए टॉस पे बड़ा फाइटल नहीं इफेक्ट हो सकता। आज टॉस उन्होंने जीता, इनको बैटिंग दी, 14 ओवर में 87 रन पे 4। जो अफगानिस्तान की बात करें, हिस्ट्री जो हमने देखी इस इवेंट के अंदर देखी है, वो शुरू अच्छा करते हैं, गुरबाज 2-3 छक्के मारेगा या जजई आके, लेकिन पूरा गो थ्रू नहीं करते ये लोग। ये 7-8 ओवर में 70-10 रन के रन रेट से भी चले जाएंगे, लेकिन क्या टोटल कितना है 130। ये इशू है अफगानिस्तान की टीम में, और प्रोफेशनल टीम है न्यूजीलैंड, कैप्टनसी उसकी, लीडरशिप क्वालिटी तो लगता नहीं। हाँ, कोई ऐसा हो जाए कि वो लंबी इनिंग खेल जाए, कोई शहजाद हो या गुलबाज हो या नबी हो, तो डिफरेंट गेम हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री जो बताती है इस इवेंट की, वो इतनी ज़्यादा साथ नहीं दे रही अफगानिस्तान की। बिल्कुल। और 3 स्पिनर्स आज खिलाए इंडिया ने, पिच को लगता है बहुत अच्छा रीड किया। जडेजा की बॉल कुछ ब्रेक भी हुए, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। शामी को खिलाया, अश्विन को भी खिलाया और चक्रवर्ती को भी खिलाया। 3 स्पिनर्स गए, पिच को भी आज अच्छा रीड किया इंडिया की टीम ने। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी उनके पास 3 पेसर वैसे भी अवेलेबल थे, पांड्या की सूरत में उनके पास एक ऑलराउंडर है जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, चक्रवर्ती का चांस लेके थोड़ा सा मिस्ट्री है तो उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह टॉन सेट के ऊपर से बुमराह ने जिस तरह उसको आउट किया, फिर अश्विन को अगर आप देखें, शामी को देखें, जडेजा ने आज जिस तरह की बॉलिंग की है, जो पहला विकेट उसको मिला वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया, क्योंकि वो एक आइडियल लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए एक आइडियल बॉल होता है जिस तरह उसको बॉल किया। तो आई थिंक बड़ा अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया। जो भी जो टारगेट सेट किया था इंडिया ने टॉस जीत के, तो आई थिंक सारे प्लेयर ने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। और फिर जो सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी कि उनके बैट्समैनों को उनके सामने एक जो उनका प्लान था कि हम चेसिंग में जाएंगे और हमारे सामने बोर्ड पे एक टारगेट होगा तो हम उसी हिसाब से उसको चेस करेंगे और अपने रन रेट को, तो जिस तरह केएल राहुल ने और शर्मा ने उसको रिप्लाई किया और जिस तरह एग्जीक्यूशन उन्होंने किए, तो आई थिंक आप कह सकते कि टॉप बैटिंग लाइनअप तो उनके वैसे भी थी, लेकिन वंस अगेन बड़े ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन और बैटिंग, मज़ा आया देखने का। बिल्कुल ज़बरदस्त। एंड व्हाट दिस मैच हैज़ डन that we cannot just talk about India and Scotland. We have Afghanistan comes in, New Zealand comes in, and the discussion just takes over. Well, as you know, Sana, we have plenty of time on these shows to meander our way around all the discussions, all the salient points, and consider everyone's best interests. Apart from anything else, that was a very, very clinical, impressive, dominant performance, was it not, Viv? For sure. India did what it had to do, you know, to not just basically get over the line, but also to increase their run rate, which I think was very special. The only thing that they'll be asking now is for someone else to do a job for them in Afghanistan. They'll be hoping that Afghanistan can do a job on New Zealand. And it's tough when you have to do that, especially one of the better teams in the world, having to ask one of the teams that are not so fancy to do that. That's going to be something that worth waiting for. भारत में इंतहाई आम मैच में स्कॉटलैंड को बदतरीन शिकस्त, बहुत ही बुरी शिकस्त और बहुत ही बड़ी शिकस्त देने के बाद T20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट धमाकेदार वापसी कर ली है। इसलिए आज टीम इंडिया ने सही मायने में दिखाया है कि ये है टीम इंडिया, ये है जबरदस्त टीम इंडिया, और ये है उनकी बैटिंग लाजवाब, और ये है उनकी बॉलिंग। और स्कॉटलैंड की टीम जो शुरू में भारत को तल्लियां लगा रही थी कि आपको ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, अब उनके ऊपर से इंडिया ना सिर्फ गुजर गया बल्कि बुलडोज कर गया उनको। और क्या शानदार कमाल की जीत इंडिया की, और इंडिया की अब हो रही है T20 वर्ल्ड कप में वापसी, बल्कि हो चुकी है, और इंडिया का रास्ता क्लियर है, सिर्फ एक काम करना है और वो करना है अफगानिस्तान ने, और वो अगर अफगानिस्तान कर गया तो ये क्या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का क्या
कहीं रिप्ले तो नहीं होने जा रहा, कहीं जो पाकिस्तान के साथ हुआ था कहीं वो भारत के साथ तो नहीं होने जा रहा है। था भारत को ये टारगेट जो था, इस टारगेट को कितने ओवर्स में पूरा करना था, 7.2 ओवर्स में, लेकिन भारत ने तो भाई इसको सातवें ओवर में पूरा कर दिया, इसको 6 समथिंग ओवर में भारत ने इसको पूरा कर दिया ड्यू टू एक्सलेंट बैटिंग, कमाल बैटिंग, लाजवाब बैटिंग ऑफ खास तौर पे केएल राहुल। आज उसने अपना जो लेवल है उसका बैटिंग का, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, आज केएल राहुल अपनी रियल फॉर्म में आए। स्टार्ट दोनों ने, रोहित शर्मा ने और दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन दोनों अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। रोहित पहले आउट हुए लेकिन ये तो 50 करके और उनके जिसको कहते हैं ना कॉफिन में आखिरी नेल ठोक के ये आउट हुए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। कल तक जो भारत पे आरोप लगा रहे थे फिक्सिंग मैच का, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है सबको। आई होप इन लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ठीक है, भारत अपनी परफॉर्मेंस दो मैचों में ठीक से नहीं दे पाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है भारत कुछ भी नहीं है और भारत को जीत ही नहीं सकता है, भारत मैच फिक्स करके जीतता है। क्योंकि फिक्सिंग इन पाकिस्तानियों की रग रग में बची हुई, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लोगे इतिहास के अंदर, इनके सारे खिलाड़ी फिक्सर निकले हुए हैं, पकड़े गए हैं, कई जेल भी गए हैं, कईयों पर आजीवन प्रतिबंध भी हुआ है, तो इन लोगों को हर चीज़ फिक्सिंग से दिख, इनको ये पता नहीं है भारतीय प्लेयर एकदम शेर है और शेर की तरह जागते हैं। ठीक है, दो मैचों में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन दो मैच देखने के बाद में होश उड़े हुए हैं पूरे पाकिस्तानियों के। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।